हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है वेंसडे, आज खाएंगे नॉन वेज। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं मरीन ड्राइव के ऊपर। यहाँ पे आप पीछे देख लो, ये कहाँ पे मैं आया हूँ। आसपास की लोकेलिटी आपको दिखा देता हूँ। भाई बहुत बढ़िया लग रही है ये जगह, बहुत ही खुली डुली है, मजा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, बड़ी अच्छी सी लग रही है देखने में। अब चलते हैं हम उस साइड पे। यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा है, देखो। ओए होए, अभी थोड़ी सी क्वालिटी में आपको मजा नहीं आ रहा होगा, वहां पर्सनली जाएंगे ना, सामने वन ऑन वन देखेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे भाई लड़कों ने अपना नाम रखा हुआ है राहुल, अभिषेक, हिमांशु, मतलब तीन तीन बंदों ने, तीन तीन लड़कों ने अपना नाम रखा है। चलो अलाउड हो गया, ये चीजें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी जगहों के ऊपर ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे लड़कियों को देखो, मेकअप करती हुई सेल्फी ले रही है, मेकअप नहीं, फोटोशूट कर। मतलब इनको शर्म ही नहीं है, भगवान से डर ही नहीं है लोगों को। अरे इस बात में भगवान से क्यों डरना। अच्छा बुलबुल लाइयो, बुलबुल उड़ा। और मैं आपको इस टेक को ले जाता हूँ रोमांटिक फील के अंदर। चलिए रोमांटिक फील स्टार्ट। कल ये ऑटो के अंदर थूक के बुलबुले भी बुला दी थी, अब पकड़ी गई है तो अब छी छी चल रहा है इनका। मैंने सिखाया था, चलो सिखाइए। मैंने क्या सिखाया था आपको? नहीं नहीं, दुनिया देखना चाहती है। अरे सिमरन तू सिखा। अब भाई यहाँ पे थे पहले हम, अब यहाँ से हम रोड क्रॉस करके आ गए हैं यहाँ पे। दोनों की दोनों सेम चीज है, एकदम सेम है, कुछ है नहीं ऐसा। पर अंदर जाके पता लगेगा अंदर है क्या। चलो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर है क्या। भाई की जान, ये है चीज तो अच्छी लग रही है यार, ये नाइस यार, बहुत उमदा टाइप लग रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा जाना कैसे यहाँ पे। यही है मेरी ड्राइव, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए हमको यहाँ से ये पुल से उतरना होगा और आगे जाके अपने को गेट यहाँ कहीं मिलेगा, उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। तो भाई अभी हम आए हैं यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पे अंदर हाथी बने हुए जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। मैं गार्ड एंगल से पूछता हूँ इसका नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको भैया, क्या कहते हैं इसको? अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क वही है, हाथी वाला पार्क है जो बनाया था। 60 रुपए की टिकट, चार्ज चलेगा भैया। तो भाई ये है हमारी टिकट, जो हमको टिकट मिली है 15 रुपए MRP है, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को निशुल्क है। ये देखो मायावती ने इसको शुरू किया था, यहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा। यहाँ पे प्री वेडिंग करा जा सकता है पर मैं नहीं करूँगा अपना, यहाँ पे मैं कहीं और करूँगा, बताऊंगा आपको कहाँ पे करना चाहिए। अंदर कोई बैठा हुआ चेयर पे, तो अंदर की तरफ चलते हैं। देखो सिमरन, देखो कितनी सी है, यहाँ है सिमरन और गेट यहाँ है। ओ चलो अंदर चलते हैं। अंदर चेयर पे कोई अंकल बैठे हुए हैं, वो अंबेडकर जी लग रहे हैं मेरे को। और ऊपर एक इन्होंने 360 डिग्री कैमरा लगा रखा है। ओए होए, गौतम बुद्ध और हाथी। ये जो पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध दिखाई देते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब उन्होंने असली वाली मेडिटेशन शुरू करी थी वो पेड़ के नीचे बैठते थे। एक स्पेसिफिक इनकी हाथियों से बहुत अच्छी दोस्ती थी गौतम बुद्ध की। एक बार एक अटैक हुआ था गौतम बुद्ध के उसके ऊपर, तो उन्होंने हाथियों के थ्रू अपने आप को जितवाया था, ऐसा मैंने एक उसमें गौतम बुद्ध का एक सीरियल है उसमें देखा है। साहिल खन्ना के लिए मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। साहिल खन्ना ने हमारे देश का बहुत ही फायदा किया है, तो अगर आप में से कोई है ऐसा तो बताना नीचे कमेंट के अंदर, जरूर मजा आएगा। ये पीछे एक और है इनकी, इनको ये सर मेरे सॉरी ये क्या है,
मायावती ने फिर अपने बारे में अपना प्रचार किया है जो कि बहुत ही बुरा है। हमारे पैसों से फिर से हमारा प्रचार किया गया है अपना। 3D के अंदर बना हुआ है, ऐसा बाहर को है, असली में रियल में बाहर को है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये चीज़ें बाहर को है, तो बाहर के चक्कर में ना 3D लुक दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगा, अगर कभी मन करा पैसे खर्च करने के लिए तो मैं भी कहीं ना कहीं पे इसकी कंस्ट्रक्शन जरूर कराऊंगा, घर के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर कभी कहीं पे, मतलब ऐसी कोई जगह पे ऐसी चीज़ 3D वाली जरूर बनाऊंगा। मेरे को बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही उमदा टाइप्स, और इसी टाइप का पेंट करा ऊपर, मज़ा आ जाए। मैं एक्चुअली हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, वीक हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अम्बेडकर जी को मेडिटेशन पे शौक था, उनको गौतम बुद्ध से ज़्यादा लगाव था। तो मुझे सिर्फ यही पता लग रहा है कि गौतम बुद्ध और इनका, अंबेडकर जी का कोई ना कोई तो बड़ा रिलेशन था। ये वैष्णो माता की चढ़ाई जैसे, और तो मैं कभी वैष्णो माता नहीं गई हूँ। क्यों? जम्मू रहती है तू? क्योंकि मैं आपके आने का वेट कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ईमानदारी से क्यों नहीं गई? ईमानदारी चक्कर नहीं लगा, माता रानी को भी बुलाया नहीं। अरे वो तो अच्छा, आप में से कितने लोग कहते हैं माता रानी ने बुलाया इसलिए नहीं गए? हम सब यही कहते हैं। या खुद नहीं जाते, आलसी है लोग? नहीं, जब तक माता का जम्मू रहेगा जम्मू नहीं गए, तब तक नहीं जाते। अगर हमारी कोई गलती है, हमने किसी का खून कर दिया, भगवान ने चाहा था इसलिए खून हो गया, माता रानी ने नहीं बुलाया इसलिए नहीं गए जी, हमने अपनी जिंदगी से टाइम नहीं निकाला है, यही लॉजिक होता है जी। माता रानी ने नहीं बुलाया हमको, माता रानी बुला लो अब तो। हाँ बुला लो, बुला लो माता रानी डायरेक्ट ऊपर ही। ये मुझे भाई जयपुर वाली फील आ रही है, पर मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। हाल देखो, ये अभी बना हुआ है और जयपुर वाला 300-400 सालों से बना हुआ है। तो कल जो मैंने आपको बताया था ना, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी वॉज वे बेटर, वो इसलिए कहता हूँ मैं। ये पान की पीक, हाय, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, उमदा। दिखाऊं मैं आपको कैसा दिखा? चलो दिखाता हूँ कैसा दिखा। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं आजकल की वीडियोस में सिनेमैटिक कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? सीख रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कि कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ। अभी तक तो भाई इंटेलेक्चुअल इंडीज में सामने खड़े हो, वीडियो बना लो, ज़्यादा मन करे ग्रीन स्क्रीन पर बनाओ, एनिमेशन कर दो। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि मुझे ऐसा टेक चाहिए। जैसे ये एग्जांपल हो गया, मैंने यहाँ पे साइड में कैमरा रख के मैं आपसे बात करने लगे लग गया। लेके चलना हो मैं लेके चल सकता हूँ, ज़्यादा मन करे लोकेशन चेंज कर लो, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर लो, और ज़्यादा मन करे तो आप एंगल चेंज कर सकते हो, अलग अलग एंगल से बना सकते हो। तो बस यही चीज़ें सीख रहा हूँ, आप बताओ नीचे कमेंट के अंदर, मज़ा आ रहा है वाली चीज़ें देख के? आपको मज़ा दूँ? देखो मज़ा। अच्छा तो कैसा लगा, मज़ा आया? अच्छा ये बताओ, जो मैंने आज ये कपड़े पहने हैं, आपने नॉर्मली मेरे को नॉर्मल वाली वीडियोस के अंदर देखा होगा, प्रोफेशनलिज्म के अंदर, कोट पैंट के अंदर, भाई ने थोड़ी सी लुक चेंज करी, आप बताओ कैसे लगे? ठीक है, बताओ कैसा लगा? देखो श्रिंकल कौन है, नंबर भी है, नंबर मिला के देखो कौन है ये, पंकज। ये देखो, मतलब पापी लोग है यार, ये तो आईलाइनर से लिखा किसी ने है, ये आईलाइनर है पक्का पक्का, और यहाँ की कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, चाहे तो इसको साफ करा जा सकता है। तो भाई अभी हम ऑटो बुक करा रहे थे, तो ऑटो वालों ने कर ली मोनोपोली, वो कहते हैं हम आपको मार्केट दिखा के जाएंगे, वहाँ से करेंगे, मैं 10 रुपये सवारी लूंगा, 15 रुपये सवारी लूंगा, उसमें जुगाड़ गया उनका। अब वो रोकेंगे हमको कहीं पे, अगर हम शॉपिंग करते हैं तो उनको कमीशन मिलेगी, साथ ही उनको एंट्री की कमीशन मिलती है। कल रिक्शे में हम बैठे थे, रिक्शे वाले ने मेरे को बताया कि अगर ये इस जगह से होते हुए जाते हैं तो उनको 1 किलो चावल फ्री मिलते हैं। तो ऐसी भी सीन है यहाँ पे, तो इस चक्कर में क्या होता है, आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो। और यहाँ पे मोनोपोली है, ये सब के सब नहीं जाएगी। अगर आप इनको कहोगे मेरे को डायरेक्ट जाना है, अब एक दूसरे को इशारा करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर में नहीं जाएगी। तो फ़ायदा क्या हुआ है, जो ऑनलाइन नेटवर्क्स आ गए हैं, जितनी भी चेन्स आ गई है ऑनलाइन वाली, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा हम जैसे कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। हमने क्या किया, जितने रुपये हमसे मांग रहा था उससे बहुत ही कम रेट के अंदर हमने ओला बुक करा ली। मैं चाहता था कि यहाँ की लोकल राइड ज़्यादा ली जाए, ओला से बेटर वो रहेगा, पर
कोई नहीं, अब हम जा रहे हैं दस्तरखान। दस्तरखान जाके कुछ खाने की आइटम है, चिकन इसका कहना है, नॉन वेज वहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ नॉन वेज खाते हैं, फिर बताता हूँ आपको कैसा है। अभी हम ना एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, आपने भी देखा होगा हमेशा मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं यार इनको जरूरत है, इसलिए हम पैसे वैसे दे देते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं जो कि इनडायरेक्टली हम गलत कर रहे हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे के चलो, अभी हमने 10 रुपये का उनको दे दिया या उनका सामान ले लिया, हमने कहा यार गरीब है कुछ फ़ायदा हो जाएगा उसका, ये है वो है वो है, पर उसके क्या हुआ, रात को ऐसे अगर उसको 20 बंदे मिल गए, उसके 200 रुपये मिल गए, अब 200 रुपये मिल गए तो उसको लगा कि भाई ये बिजनेस मॉडल इज प्रॉफिटेबल, अब वो अपने सारे बच्चों को इसी काम में डाल देगा, उसको लगेगा भाई ये बेस्ट है, तो सारे बच्चे ये काम करेंगे, कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई देश नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। पर अगर हमने क्या किया, हमने पैसे ना देने का वादा कर लिया, हमने नहीं दिया, हमने आगे कोई मिला उसको भी समझाया कि पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं आएगा, अब क्या लगेगा उनको कि यार रात को 50 रुपये में नहीं बन रहे, 50 रुपये में हमारे घर का क्या निपटेगा, कोई और काम पकड़ो। अब कोई और काम पकड़ने के चक्कर में कोई प्रॉपर काम पकड़ेंगे और छोटे जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर चल रही है हमारे देश में, वो बेटर हो पाएगी। और मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, आपको सही करना चाहिए। अच्छा तेरा क्या कहना है इस बात पे? I agree with Mr. Sahil. अच्छा आपका क्या कहना है? Awesome. इसने लिया है अभी 10 रुपये का, इसने वो फुल गुब्बारे उड़ाने वाला लिया है, दिखाइयो दिखाइयो। अब क्या है, 10 रुपये का नहीं होगा, 2-3 रुपये का होगा। हम कहते हैं चलो कुछ तो बेच रहा है, मांग तो नहीं रहा, पर बच्चा है यार, बच्चा है, बच्चों को नहीं करना प्रमोट ही नहीं करना। अगर किसी की उम्र है ना, मान लो 25-30 साल या बड़ा है, मतलब अभी उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं लग रही आपको, तो वो बेच रहा है तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है मेहनत का कमा रहा है। पर चलो कई लोगों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कई लोगों का है भाई तुमको गरीबी का क्या पता, तुमको क्या पता कि पैसे कैसे कैसे, तुम तो गाड़ियों में घूमते हो, तुमको नहीं पता उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा पॉइंट देंगे, 100% है। अब देखो लॉजिकल क्या करा सकता है, अगर साहिल खन्ना को सीएम बना देना चाहिए, हाँ, मेरे को पीएम बना दो, पीएम हाँ, बना दो। साहिल खन्ना बहुत अच्छे हैं, उनको सारे लॉजिक पता है, सारे रास्ते हाँ, पता बिल्कुल। है, इनको सीएम बना दीजिए। नहीं नहीं अबे देख, लॉजिकली क्या हो सकता है, सुबह दिन में उसको पढ़ाया जाए, शाम को अगर उसको करना है कर ले, अभी दिन का टाइम है, वर्किंग डे है आज, तो सुबह सुबह कैसे घूम रहा है। या मैंने भी जनरली ऐसे बच्चे देखे है, वो मेरे घर के आसपास सब्जी वाले है, उनके जब बच्चे जब वो बैठते शाम को सब्जी बेचते हैं और सुबह भी सब्जी बेचते हैं, 7 बजे तक वो ई रिक्शे पे सब्जी लेके आता है, पापा का छोड़ता है, उसके बाद वो नहाता धोता है, कपड़े चेंज करता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, क्योंकि उसका पता है उसको लॉन्ग टर्म मुझे क्या करना है जिंदगी में, मुझे सब्जी नहीं बेचनी, मेरे को ये काम नहीं करना, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। कभी मेरे को कैमरा हुआ मेरे पास उसके पास गया ना, मैं जरूर उसको कवर करूंगा, इसी चैनल के ऊपर कवर करूंगा। अभी खाने का पहुंचने वाले हम, खाने के लिए पहुंचते हैं, बहुत सारी आज के टाइम पे बहुत सारी पर्सनल बातें चल रही है, अब खाने के लिए जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो भाई यहाँ पे आए हम ओपन एयर के अंदर, खुशबू तो बहुत उमदा आ रही है, मजा आ गया, मतलब तंदूरी है, ये क्या है, फिश, ये क्या है, सीख कबाब है, सीख कबाब। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये है भाई आउटलेट, और इसके सामने इन्होंने यहाँ पे जगह बना रखी है बैठने की, तो मैं हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ बैठते हैं, और ये है दस्तरखान जिसका कह के हमको लाया गया था, पर सिमरन का ऐसा कहना है दोनों सेम है, दोनों का सेम टेस्ट है, तो हम ओपन ही ट्राई करेंगे, दस्तरखान का नहीं करेंगे क्योंकि सिमरन की रिकमेंडेशन है। ऑर्डर कर रहे हैं चिकन बिरयानी, चिकन मसाला और साथ में पराठे, बिरयानी जैसे आप और गिलावटी कबाब, जैसे आपको पता है बिरयानी मैं खाता नहीं, तो मैं खाऊंगा नहीं, फिर से टेस्ट कर लूंगा, क्योंकि सिमरन का ऐसा कहना था बहुत बार कि आपने यहाँ की बिरयानी ट्राई नहीं करी इसलिए आप नहीं खाते, पर मेरा लॉजिक कुछ और है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा मैं क्यों नहीं खाता बिरयानी। ये आ गया है प्याज जो कि मुझे बहुत पसंद है, हरी चटनी भी देते हो भैया? अच्छा हरी चटनी नहीं मिलती है यहाँ पे। तो भाई आ गया हमारा खाना, दिस इज बिरयानी, दिस इज चिकन मसाला, आहा खुशबू गुड, ये है कबाब, ये है पराठा, भाई पराठा सिमरन मेरे लिए पहले भी ला चुकी है, ये है चिकन मसाला, चिकन गुड गुड, उत्तम भाई के पास जो कस्टमर उसका भी जवाब
कबाब ट्राई कर दे, कबाब भी मैंने ट्राई कर रखे हैं पर मैंने माफी नहीं दी। कहाँ के थे वो? टुंडे। टुंडे के बेटर, मतलब इसके बाद उसका टेस्ट नहीं आता। ये मेरे हिसाब से टुंडे बेटर था, मेरे नजर में टुंडे बेटर, ये बहुत बहुत बढ़िया था। अब ये देखो, सिर्फ यही रीज़न है मेरा बिरयानी ना खाने का, चावल 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 चावल, सिर्फ चावल। क्या चावल खाने? कौन खाता है चावल? चलो चावल खा लिया। वाह क्या चावल है, इसमें नहीं खाता मैं बिरयानी, चावल में कुछ होता ही नहीं है। अच्छा हम ये खा लेंगे। चिकन टिक्का 400 रुपये, चिकन मसाला 560 रुपये। 560 रुपये के हिसाब से सही था वो? हाँ नहीं, ओवर प्राइस था मेरे हिसाब से। बिरयानी वॉज 240 रुपये, दो हाफ। कबाब 130 रुपये, बहुत ही बढ़िया। पराठे 150 रुपये, 15 रुपये एक, बहुत ही बढ़िया। बिरयानी 260 रुपये, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से मसाला वॉज ओवर प्राइस, 560 रुपये एक छोटी प्लेट के लिए वर्थ नहीं था। तो गाइस मैं तैयार होने वाला हूँ, सिमरन तैयार होके आने वाली होगी। आंखें थोड़ी सी लाल लाल सी हो रही है, आंखें वाखें धोता हूँ थोड़ा सा। और ये मुझे गिफ्ट दिया है नेक्सस होटल वालों ने, तो थैंक यू इनको। तो आवाज से तो ड्राई फ्रूट टाइप लग रहे हैं मेरे को, खोल के देखा जाए क्या है। देखा भी गलत नहीं होते, मनाली मल्टीपर्पज ड्राई फ्रूट, ग्रेट यार, थैंक यू थैंक यू। बहुत कुछ है, घर जाके खाएगी, इसको पैक करते हैं घर जाके खाएगी, ठीक है। इसको रख देता हूँ, इसको मैं अपने ऑफिस में रखूंगा आपसे, ड्राई फ्रूट भर के। मम्मी को कहूँगा मम्मी उसको तल दो, देसी घी के अंदर एकदम करारे करारे कर दो, उसके बाद खाऊंगा। इको ज़्यादा आ रही होगी, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रब कर लेता हूँ, स्क्रब थोड़ा स्किन विन भी साफ हो जाएगी, फंक्शन में जाना है। चलो मिलते हैं तैयार होके। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ पार्टी के अंदर, सिमरन के भाई की है रिसेप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इस ब्लॉग के अंदर। अगला ब्लॉग कल जाऊँगा, मतलब मैं घूमने के लिए, उस टाइम शूट करूँगा और एडिटिंग करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। गारंटी नहीं है कब आएगा, कोशिश करूँगा कि मैं एक हफ्ते के अंदर दे दूँ, एक हफ्ते के अंदर दे दूँगा, कोशिश करूँगा एक दो दिन के अंदर ही दे दूँ। लाइक कर दे रहा, कमेंट बताना कैसा लगा। बाय, गुड नाइट, शबा के, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।